नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चबलक पर। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स रैली रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूटी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड के लिए इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप रैली रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप घर बैठे किस प्रकार से मोबाइल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो भी मात्र 10 मिनट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आप चैनल जॉबलक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे हमारी इंडियन एयरफोर्स रैली रिक्वायरमेंट यूटी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड की सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, आप यूटी ऑफ दिल्ली एंड उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर इसकी जो पोस्ट हमने डाल रखी है उस पर अपना अमूल्य वोट जरूर दें, जिससे फ्रेंड्स हमें पता लगाया जा सके कि भाई यूटी ऑफ दिल्ली एंड उत्तराखंड के लिए जो इसकी एडमिट कार्ड की जो कट ऑफ रहेगी वो आखिर कितनी रहेगी। तो आप इस पोस्ट पर जाकर अपना अमूल्य मत जरूर दें। यूटी ऑफ दिल्ली एंड उत्तराखंड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक अप्लाई नाउ डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहां पर आपको अपनी स्टेट और साथ ही साथ अपने जो रैली वेन्यू है यानी रैली कहां कंडक्ट होगी उसको यहां पर सेलेक्ट करना है। तो आप यहां पर यूटी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड में से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और साथ ही रैली वेन्यू में न्यू दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करते ही फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर रैली रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और फ्रेंड्स यहां पर आपको अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप कैंडिडेट नेम यानी अपना खुद का नाम यहां पर टाइप करेंगे और उसके बाद आपकी फादर का नाम आप यहां पर टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी को यहां पर देंगे। ईमेल आईडी देते समय आप बिल्कुल सचेत और सावधान रहें क्योंकि आपका एडमिट कार्ड इसी ईमेल आईडी पर आएगा, तो आप बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी ही अपना दें। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें कि फ्रेंड्स यहां पर आपका नाम, साथ ही आपकी फादर का नाम और साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके 10वीं कक्षा की अंक तालिका में है, उससे भिन्न नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन सभी को आपके 10वीं कक्षा की अंक तालिका से ही रैली वेन्यू में वेरीफाई किया जाएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। ध्यान रखें आधार नंबर नेसेसरी नहीं है, यानी अगर आप टाइप नहीं भी करते हैं तब भी आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फ्रेंड्स ध्यान रखें कि यदि आप आधार नंबर टाइप करते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड साथ में कैरी करना होगा यानी अपने साथ में ले जाना होगा। उसके पश्चात फ्रेंड्स आपकी जो भी हाइट है आप उसको यहां पर टाइप करेंगे। ध्यान रखिए आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर अनमेरिड मेल ऑटोमेटिकली शो होगा क्योंकि ये वैकेंसी अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो भी डोमिसाइल यानी मूल निवास है उस स्टेट को यहां से सेलेक्ट करेंगे, यानी यूटी ऑफ दिल्ली का है या फिर स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना होगा। इसमें यहां पर ग्रुप या ट्रेड में ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अपलोड सेक्शन में आपको अपनी 10वीं कक्षा की जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। पहले के दौर में क्या होता था, 10वीं की पासिंग सर्टिफिकेट अलग और अंक तालिका अलग होती थी, लेकिन अभी आपका पासिंग सर्टिफिकेट एक ही आता है और अंक तालिका भी वही आती है। तो आप जो भी हो अगर अलग अलग हो तो अलग अलग में से आपको पासिंग सर्टिफिकेट को ही अपलोड करना है और अगर एक ही हो तो आप पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी पीडीएफ को आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है इसकी साइज 30 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरते हैं और आपको यहाँ पर साइज रिड्यूस या रिसाइज नहीं करना आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स आपको यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिलअप करना है, यानी अगर आप 12th के बेस पर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं 12th साइंस के बेस पर तो आप यहां पे 12th साइंस वाला इस सेक्शन को क्लिक करें और अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा के बेस पर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप यहां पर इसको क्लिक करें।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स को फिलअप करना है। जिस भी बेस पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, यानी ट्वेल्थ इंटरमीडिएट के बेस पर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट या ट्वेल्थ लिख सकते हैं, ट्वेल्थ भी लिख सकते हैं और साथ ही इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप इस फॉर्म को डिप्लोमा के बेस पर फिलअप कर रहे हैं, तो आप यहां पर डिप्लोमा टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो भी, जैसे ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के बेस पर फिलअप कर रहे हैं, तो आपके ट्वेल्थ में जो भी परसेंटेज आपके रहे हैं कुल मिलाकर, आप उन परसेंटेज को यहां पर लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने अगर ट्वेल्थ में या डिप्लोमा में इंग्लिश पढ़ा है, तो आप अपने इंग्लिश के पर्टिकुलर यहाँ पे परसेंटेज टाइप करेंगे। भाई ट्वेल्थ में तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन डिप्लोमा में कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं पढ़ा है, ऐसे सभी कैंडिडेट्स अपने दसवीं के इंग्लिश के परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे। फिर से मैं आपको समझा दूं, अगर आप ट्वेल्थ बेस पे भर रहे हैं तो आप उसके यहाँ पर ट्वेल्थ या इंटरमीडिएट लिखेंगे, और साथ ही डिप्लोमा के बेस पे भर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिप्लोमा टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप ट्वेल्थ या डिप्लोमा जिस भी बेस पे भर रहे हैं उसके आप कुल मिलाकर परसेंटेज यहाँ पे फिलअप करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने ट्वेल्थ या डिप्लोमा के इंग्लिश के परसेंटेज यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, तो आप अपने दसवीं कक्षा के इंग्लिश के परसेंटेज को यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स पुनः आपको अपलोड सेक्शन में अपने ट्वेल्थ की मार्कशीट को अपलोड करना है। ध्यान रखना है, इस बार आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट को ही अपलोड करना है। अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा के बेस पर इस फॉर्म को फिलअप किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स की मार्कशीट को अपलोड करेंगे, जो भी आपके अंतिम वर्ष की मार्कशीट रही है। इसकी भी साइज आपके 30 KB से 100 KB होनी चाहिए। अंत में फ्रेंड्स आप अपना यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। ध्यान रखना, आप यहाँ पे 30 KB से 100 KB के बीच का फोटोग्राफ ही अपलोड करेंगे। तो आप अगर रिसाइज या रिड्यूस नहीं करना चाहते, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो पर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप यहाँ से जैसे ही इसको अपलोड करेंगे, ये आपकी फोटोग्राफ यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ध्यान रखें फ्रेंड्स, एयरफोर्स के रूल्स के अनुसार जो फोटोग्राफ आपकी कैसी होनी चाहिए, उसका वीडियो भी अलग पर चैनल पर उपलब्ध है। पर अभी अगर आप नहीं खिंचवा सकते, तो आप नॉर्मल फोटो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिछली जो राजस्थान हरियाणा बिहार की रिक्वायरमेंट हुई थी, उसमें भी यहाँ पर नॉर्मल फोटोग्राफ वालों को, कैंडिडेट्स को मौका दिया गया, यानी कोई यहाँ पे रोका नहीं गया। इतना करने के बाद फ्रेंड्स ये जो आपको कैप्चर दे रखा है, इस कैप्चर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको ये कैप्चर पसंद नहीं आता है, यानी अच्छे से नहीं दिखता है, तो आप रिफ्रेश पर भी क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव नोट फील्ड, इसको और साथ ही इस सेकंड को, इन दोनों को टिक मार्क करते हुए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग लिखा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ग्रुप एक्स न्यू दिल्ली भी देखने को मिलेगा, और साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को किसी पेज पर उतार लेना है, बस आपको कोई भी यहाँ पर प्रिंट नहीं चाहिए। आप चाहें तो इस पेज का प्रिंट ले सकते हैं। आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुका है, आप निश्चिंत हो जाएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ कम्युनिटी टैब में जाकर अपने यूटी या स्टेट के लिए वोट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो का लाइक एम क्यू 100 लाइक्स है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करने में चैनल का सहयोग जरूर करें।